सिंगापुर एयरलाइंस का ये वीडियो आपने भी जरूर देखा होगा। ये फ्लाइट खतरनाक टर्बुलेंस में फंस गई। लोग इधर उधर गिरने लगे, फ्लाइट में सामान बिखर गए, कई लोग इसके छत से टकरा गए। जिस वक्त हादसा हुआ, विमान तकरीबन 23,000 फीट की ऊंचाई पर था और महज 90 सेकंड के अंदर ये 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, कई घायल हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है टर्बुलेंस जिससे इतना बड़ा नुकसान संभव है। कब कब होता है ऐसा और किन रूट्स पर होती हैं ज्यादातर ऐसी घटनाएं। सबसे पहले जान लीजिए कि टर्बुलेंस होता क्या है। एविएशन में अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल होता है। ये हवा के बहाव में बदलाव की वजह से आने वाली उथल पुथल है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हवा हवाई जहाज को उड़ाने में मदद करती है उसमें बाधा आ जाए। इससे फ्लाइट को कम ज्यादा धक्का लगता है और वो तेजी से ऊपर नीचे होती है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि टर्बुलेंस आता कब है। लगभग सभी फ्लाइट्स में किसी न किसी स्तर पर टर्बुलेंस होता है। अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी दूसरे विमान के पीछे टेक ऑफ या लैंडिंग कर रहा हो तो पहले वाले के इंजन और विंग टिप्स से पैदा हवा पीछे वाले जहाज को असंतुलित कर सकती है। नीचे उतरते हुए तेज हवा की वजह से भी ये दिख जाता है। वहीं ऊंचाई पर आंधी तूफान या पास में उड़ता कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भी इसकी वजह बन सकता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि कहां टर्बुलेंस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बहुत सी एयरलाइंस टर्बुलेंस पैटर्न को मैप करती हैं ताकि हवाई जहाज की यात्रा ज्यादा सेफ हो सके। इस मैप का इस्तेमाल प्लान बी के लिए होता है, मतलब जिन रास्तों पर अस्थिरता हो उनका विकल्प ढूंढना। ये बात सही है कि टर्बुलेंस वेदर कंडीशन के साथ बदलता है, लेकिन कई रूट्स दूसरों के मुकाबले इसके लिए ज्यादा संवेदनशील मानी जाती रही हैं। टर्बुलेंस की एक किस्म है क्लियर एयर टर्बुलेंस। इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। ये अक्सर गर्म हवा के ठंडी हवा की तरफ बढ़ने की वजह से होता है। क्लाइमेट चेंज में ये अक्सर दिखाई देता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, किन हवाई रास्तों पर ऐसे हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। शोध हुई बाकायदा इस पर, जिसमें ये बताया गया कि ऐसे मामले अमेरिका नॉर्थ अटलांटिक के उन सारे रास्तों पर दिख रहे हैं जहां सबसे ज्यादा एयरलाइंस उड़ान भरते या उतरते हैं। एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि साल 1979 की तुलना में साल 2020 तक कई रूट्स पर सीएटी के मामलों में 55% की बढ़त हुई। ये सीवियर टर्बुलेंस है जिनमें जोखिम रहता है। साल 2017 में भी एक स्टडी हुई जो ये कहती है कि क्लियर एयर टर्बुलेंस साल 2050 तक अभी की तुलना में चौगुना हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।